أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلوات پڑھے محمد وعلی کرم الہی اور اس نے جو انعامات بندوں کو عطا کیے ہیں اور اس کے سامنے ایسی تاریخ پیش کی ہے کہ انسان کو ہر اعتبار میں اگر اس کی سوچ اچھی ہے فکر پاکیزہ ہے تو اس کی سوچ اور اس کی فکر پلٹ پلٹ کر اسے اس بات کا ہی جواب دیتی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ تیری ساری طاقت کا محصل تیرا پروردگار ہے اگر پروردگار عالم تجھے قوت اور طاقت نہ دے تو واقعاً تو ایک رکعت کیا ایک سجدہ نہیں بجا لا سکتا اپنی طاقت سے ایک رکعت تو بہت بڑی بات ہو گئی اور خداوند عالم نے بندے کو نماز میں یہی بات سمجھائی اور سکھائی پہلے تو یہ بات سکھائی تکبیرۃ الاحرام کو واجب کر کے کہ بندہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اور یہ جو ہاتھوں کو یوں بلند کر کے اور یہاں تک لا کے کہنا ہے اللہ اکبر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو نماز قصدن یا سہون دونوں اعتبار سے باطل ہو جائے گی یہ واجب رکنی ہے تکبیرۃ الاحرام اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے سے پہلے قدرت نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ باواز بلند کہو اللہ اکبر تمہارے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے اور تمہارے دل کی گہرائیوں میں یہ بات عقیدے کے طور پر راسخ ہو جائے کہ بس وہی بڑا ہے اور کوئی نہیں اس کے علاوہ سب بیکار ہیں اگر حقیقت ہے تو بس پروردگار عالم کی ذات کو ہے اگر انسان ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے اللہ اکبر اب اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو زندگی دے سکے عزت دے سکے دولت دے سکے حیات دے سکے سرچشمہ زندگی عطا کچھ بھی نہیں
और जब तुसे बड़ा मान लिया है तो अब उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिसके दरवाजे पे सजदा रेज हुआ जाए। बस बंदगी तेरी ज़ात से मखसूस है और बंदगी तेरी ही ज़ात को ज़ैब देती है। इसके अलावा किसी और की बंदगी को आप कबूल कर लें, अगर हम बंदे उसके बन भी जाए तो उसमें तो ऐसी खासियत नहीं है कि वो माबूद बन जाए। काश ये जुमला वाज़े हो जाता है। अगर हम उसकी बंदगी को कबूल भी कर लें तो उसमें भी तो वो खासियत होनी चाहिए कि वो माबूद बन जाए, तो उसके में खासियत ही नहीं पाई जाती कि वो माबूद बन जाए। मसलन अगर हम मांगने लगे तो क्या दे सकता है। इसीलिए कुरान मजीद में जिन लोगों ने अपने माबूद मुजस्समों को करार दिए थे उनके बारे में कुरान कहता है मक्खी इनके नाक पे बैठ जाती है तो उड़ा नहीं सकते, गंदगी में इन्हें डाल दिया जाए तो उठ नहीं सकते, और फिर कहता है ज़ौफ़त तालिबो वल मतलूब, जिससे ये मांग रहे हैं वह भी ज़ईफ़ है और जो मांगने वाला है वह भी कमज़ोर है। ये कितने कमज़ोर हैं, लिहाजा उससे मांगो जो सब कुछ अता कर सकता है। और जब ये तारीख़ के आईने में रिवायात की रोशनी में हमें नमाज में सिर्फ यही बात सिखाई है कि हम उसके सामने सजदा रेज हो जाएं, जबकि हमारी नमाज की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं, हमारी नमाज तो उस पानी के बुलबुले से भी कहीं ज़्यादा मामूली है जो पानी पे झाग का बुलबुला पैदा हो जाता है, मच्छर काट ले तो तब टूट जाए, रोज़गार का ख्याल आ जाए तो तब से हो निसियान हो जाए, शकों को शुबहात जिस नमाज में पाए जाते हों क्या वो भी नमाज नमाज कहलाने के काबिल है। कितने शकों को शुबहात पाए जाते हैं, एक थोड़ा सा ये ख्याल आ जाए कि कल क्या होगा, रोजगार नहीं है तो क्या होगा, उसने मुझे ऐसा कहा है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। देखिए दिमाग कैसी कैसी जगह गर्दिश करता है एक नमाज में, और जब इंसान का दिमाग नमाज में गर्दिश करता है तो जो सही मकसद के लिए खड़ा हुआ था कहीं रुकू भूल जाता है तो कहीं सजदा भूल जाता है। मगर कमाले कुदरत यह है कि उसका करम यह है हम टूटी फूटी पढ़ते हैं और उसी टूटी फूटी को वो अपने करम से नवाज देता है, ये उसका करम है खुदा की कसम। देखिए तो सही हम कैसे पढ़ते हैं, जरा सा अपनी इबादतों का ख्याल करें, अपनी नमाजों का जरा सा हिसाब जोड़ें कि कैसी पढ़ते हैं। बाज मरतबा तो तब पता चलता है कि हम रुकू में हैं जब समय अल्लाह लिमन हमीदा की आवाज़ आती है, वरना हिसाब ही जोड़ रहे हैं, वरना दूसरे लोगों का जवाब ही दे रहे हैं, दूसरों की बुराई ही ढूंढ रहे हैं। क्या ऐसी नमाजों पर भी मसलन ऐसे सजदों पर भी अज्र दिया जाए, मगर वो इन सजदों पर भी अज्र दे देता है और इस कम से कम दुनिया में तो ये अज्र दे ही देता है कि लोग नमाजी जानते हैं, नमाजी जानते हैं, नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ी कैसे इससे ताल्लुक नहीं। और ये भी उसका कमाले कुदरत है, वो अपने इल्म पे जजा नहीं देता, तुम्हारे यकीन पे जजा दे देता है। अगर तुम्हें शक हो जाए कि मेरी तीन है या चार है तो कुदरत ये कहती है कि तुम अपने दिमाग में ये सोचो कि तुम्हारा कितने परसेंट जहन चार की तरफ जा रहा है, अगर तुम्हारा 60% जहन चार की तरफ जा रहा है तो चार समझ के तमाम कर दो, हम अपने इल्म पे जजा नहीं देंगे, तुम्हारे यकीन पे जजा देंगे। ये कमाले कुदरत है परवरदिगार आलम की मेहरबानियां है। हम अपने आप में पानी डालते रहे, अब ये शक करते रहे गुस्ल हुआ है या नहीं, शरीयत ने कहा यकीन कर लो कि पानी हर जगह पहुंच गया, खुदा अपने इल्म पे जजा नहीं देगा, तुम्हारे यकीन पे जजा दे देगा। यानी पता चला जो मैंने तय कर लिया, यहां तक के रिवायत में है अगर मैंने वजू किया है और बाकी रहने का यकीन हो तो उसी वजू से मैं नमाज पढ़ सकता हूं, चाहे भले से हकीकत में वो टूट गई हो मगर मुझे यकीन है कि मेरी वजू अभी बाकी है तो उसी पर मैं नमाज पढ़ सकता हूं। सोचो कुदरत ने कितनी मेहरबानी पेश की हैं, मेरे यकीन पे जजा दे रहा है अपने इल्म पे नहीं। अब जब मेरे यकीन पे जजा दे रहा है मैंने कहा अल्लाह हू अकबर, और फिर यही नमाज जिसकी कोई
इस एतबार से हैसियत नहीं है। एक इंसान सफ़े अव्वल में रोज नमाज में पहली सफ में रहता था, बेटा बीमार हो गया, अब नहीं दिखाई दे रहा है, पूछने गए भाई आप तो सफ़े अव्वल में मौल साहब बिल्कुल, नमाज तो मेरी मसलन रूह की तस्कीन थी, लेकिन उसके बाद जब से बेटा बीमार हुआ है तब से दिल नहीं लगता, ऐसे लोगों की इबादतों पर वो मस्जूद नहीं कहलाएगा। यानी जैसी मेरी इबादत है, मेरे जैसी इबादत को देखने के बाद अगर मैं रुकू में कहूँ सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दी, तो मेरी रज मेरे रुकू से उसकी अज़मत समझ में नहीं आएगी। अगर सजदे में कहूं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, तो मेरे ये कहने से उसकी बुलंदियां समझ में नहीं आएगी। बल्कि जब मैं उन बंदों को देखूंगा, एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ यतीम बिखरे हुए हैं, तीसरी तरफ खेमे जल रहे हैं, और रुकू में सर रख के कह दे सुभान रब्बियल अजीम व बिहम्दी, जब इन बंदों को देखता हूं तब पता चलता है जिसके बंदे इतने अजीम हो उसका माबूद कितना अजीम होगा। तभी तो अंदाजा होता है। आप देखिए मेरी नमाजों का अंदाजा कीजिए, एक जरा सी परेशानी जहन में लाहक हो जाए, भूल जाता हूँ सजदाए रुकू कौन है, सजदाए जिक्र रुकू कौन है और जिक्र सजदा कौन है, भूल जाता हूँ, गलतियाँ करने लगता हूँ। लेकिन खुदा की कसम, जब करबला में अली अकबर का लाशा उठाने के बाद हुसैन ने सजदे में सर रख के ये कहा, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, तब उसकी अजमतों का अंदाजा होता है कि जिसके बंदे इतने अजीम हो वो खुदा कैसा होगा। वरना है कोई कायनात में ऐसा, लाके दिखाए जो सजदों में इतना बुलंद वाला हो, जो इबादतों में इतना अजीम हो। और एक ही नहीं बल्कि इनमें से हर फर्द ऐसी ही है, इमाम के पैर में से तीर निकाल लिया जाए सजदे में खलल नहीं पड़ता, अजदहा अंगूठा से चबा जाए सजदे में खलल नहीं पड़ता। तो अब इन बंदों से अंदाजा होता है कि वो परवरदिगार कितना अजीम है जिसके बंदे ऐसे हैं। उसके बाद मैं अपनी नमाजों का जरा हल करूं, कहा मैंने अल्लाहु अकबर और अल्लाहु अकबर कहने के बाद मैं रुकू में चला गया, और रुकू में जाने के बाद फिर कुदरत ने मुझे, ये भी परवरदिगार आलम का लुत्फ व करम है कि उसने मुझसे ये नहीं कहा कि इबादत कर, बल्कि मुझसे ये कहा कि इबादत का तरीका बता दिया। अगर मुझसे ये कहता कि मेरी हम्द व सना कर, तो खुदा की कसम मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे कि मैं उसकी हम्द व सना उसकी शान के मुताबिक कर देता। मसलन मेरी उम्र 40 साल है और जब से पढ़ ही रहा हूं जब से मुझे याद है, कोई जिंदगी का दिन ही ऐसा नहीं है कि जब से मेरी याददाश्त काम कर रही है, मैं 5 साल का हुआ हूं तब से जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते हो गए, 20 साल तो मुझे मजलिस ही पढ़ते हो गए। और अभी अगर मुझे कहा जाए कि एक दरख्वास्त लिख दीजिए, मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के लिए एक दरख्वास्त लिख, अभी जबकि लिखते लिखते एक जमाना हो गया है, न जाने कितनी स्क्रिप्ट लिख दी है, कितने प्रोग्राम कर दिए हैं, कितने लफ्ज माइक पे बोल दिए, कितने लफ्ज कैमरे में शूट हो चुके हैं, नहीं मालूम। हजारों को हूं, करोड़ों को हूं, लाखों को हूं, तो सब अपनी जगह पर जायज हैं। अगर मैं लाखों को हूं तब भी ठीक है, अगर मैं करोड़ों को हूं तब भी ठीक है, इसलिए कि अगर आधा घंटे में मैं 300 जुमले भी बोलता हूं तो 4000 लेक्चर में ना जाने कितने जुमले हो गए होंगे हजारों की तादाद में। तो उसके बाद भी जिंदगी जितनी है वो सिर्फ पढ़ने में है। लेकिन अभी आप मुझसे कहिए एक दरख्वास्त लिख दीजिए आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के नाम, आयतुल्लाह रहबर मुअज्जम के नाम, तो पहले तो मैं फौरन तो लिख नहीं सकता, पहले उसको रफ करूंगा फिर पढ़ूंगा और जगह जगह देखूंगा। ये लफ्ज़ उनके शाया निशान नहीं है, ज़ात बड़ी है लफ्ज़ छोटा है, ज़ात बड़ी है लफ्ज़ छोटा है, ये है तो बंदे ही, चाहे भले से मुज्तहिद हो। जब बंदा बंदों की शान के मुताबिक लफ्ज़ नहीं कह सकता, तो बंदा खुदा की शान के मुताबिक लफ्ज क्या कहेगा।
तो उसने खुद ही लफ्ज दे दिए, कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और अब इबादत के लिए बिस्मिल्लाह करके कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये उसका करम है कि उसने मुझे लफ्जों के लिए जबान दे दी और लफ्ज खुद बता दिए, वरना मैं तो इस लायक था ही नहीं कि उसकी शायान शान के मुताबिक कुछ लफ्ज कह सकता। और जब नहीं कह सकता था तो बताइए मैं इबादत क्या करता। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने जब मुझे इबादत का हुक्म दिया कि इबादत कर, तो तरीका इबादत भी बता दिया। और उसके बाद खुद कहता है ये मेरा करम है कुरान मजीद में कि मैंने तुझसे इबादत का मुतालबा किया है, वरना युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, ये सारी जमीनों कायनात मेरी तस्बीह कर रही है। और तस्बीह की दो किस्म पाई जाती है, एक तस्बीह हाली और एक तस्बीह मकाली। तस्बीह मकाली यानी जो जबान से तस्बीह होती है, एक तस्बीह वो जो हालत से तस्बीह होती है। हालत मकाली, मकाली तस्बीह में रियाकारी पाई जा सकती है, रोज नहीं रखा कह रहा हूं रोजा रखा है, नमाज नहीं पढ़ी कह रहा हूं नमाज पढ़ी है, मगर जो तस्बीह हालत कर बयान करती है उसमें रियाकारी नहीं पाई जाती। मसलन मैं रात में सोया नहीं, मेरा चेहरा बता रहा है कि मैं परेशानी में हूं। आपने पूछा मौलवी साहब परेशानी में हूं, परेशानी में है आप? मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल परेशानी में नहीं हूं। तो आपने यकीन नहीं कर सकते इसलिए कि जिसका सबूत चेहरा दे रहा हो, आपकी जबान इनकार करे लाख इनकार करे, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। तो बस इसी तरीके से मसलन एक तस्बीह होती है मकाल, जिसको कहते हैं ज़बानी तस्बीह, और एक तस्बीह होती है तस्बीह हाल, जो हालत बयान करती है। लिहाजा अब मुफस्सिरीन कहते हैं कुरान मजीद में एक टेक्नोलॉजी, एक इंसान ने जो आर्किटेक्ट है उसने बेपनाह इमारत बनाई, बड़ी इमारत बनाने के बाद हर चीज को निजाम से रखा, हर चीज जरूरतों को पूरा रखा, एक 50 माले की बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। हम जब उसको देखने के लिए गए, उसकी जर्रे जर्रे बराबर की चीजों को देखा, हर चीज को निजाम के मुताबिक पाया, दिल में यकीन कर लिया बनाने वाला कोई बहुत बड़े इल्म का मालिक है, बनाने वाला कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। बस मुफस्सिरीन भी यही कहते हैं, अफसोस है इंसान तुझ पे, तूने आर्किटेक्ट को देखा नहीं है, बनी हुई बिल्डिंग को देख के यकीन कर लिया बनाने वाला कोई आलिम है। जमीन का सीना नहीं बता रहा है बनाने वाला कोई आलिम है, आसमान का शामियाना नहीं बता रहा है बनाने वाला कोई आलिम है, तेरी बदन का निजाम नहीं बता रहा है बनाने वाला कोई आलिम है, बल्कि यहां तक कि तू देख ले पहाड़ों के चोटियों पर जमीन पे लटके हुए पेड़ ऐसे झुकाई देते हैं। हम तो ये समझते हैं ये पत्थर उखड़ क्यों नहीं जाता, ये पेड़ गिर नहीं जाता, मगर वो लटक के कह रहा है अपनी कुदरत से रहता तो गिर गया होता, किसी जब्बार व कहार ने रोक रखा है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। किसी जब्बार ने रोक रखा है, किसी ताकतमंद ने रोक रखा है, मैं अपनी ताकत से नहीं रुका हूं। और फिर अपनी ताकतों का इजहार करते हुए, अपनी कुदरत का इजहार करते हुए कुरान में कहता है इधर हमने मीठे पानी का समंदर बहाया है और इधर हमने कड़वे पानी का, खारी पानी का समंदर बहाया है, और उसके बाद दोनों समंदरों में हमने कोई दीवार तो बनाई नहीं, मगर अपनी कुदरत कामिला से ना मीठा पानी खारी में मिल सकता है और ना खारी पानी मीठे में मिल सकता है। यहाँ तक कि जब समंदरों के दरमियान या लहरों को देखते हुए समंदरों के किनारे खड़े हो जाते हैं तो दूर से इतनी ऊँची लहर उठाई देती है कि लगता है ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगी, मगर अपनी हद पे सर पटक के कहती है बढ़ नहीं सकती। किसी जर किसी कहार का हुक्म है, किसी जब्बार का हुक्म है। ये हदें किसने मुय्यन कर दी, कभी गौर किया? ये हदें किसने मुय्यन कर दी है? अपनी हदों से बाहर नहीं, सारी कायनात उसी के सामने सजदा रेज है, हर कोई उसी के सामने सजदा कर रहा है।
इमाम इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगारा ये परिंदे अपने आशियानों में, मछलियां अपने समंदरों में, और चरिंदो परिंद अपने जंगल और सहराओं में सब तेरी तस्बीह करते हैं। यहाँ तक के परवरदिगार ये पत्तों की उठी हुई हाथों की हथेली तेरी बारगाह में दुआ गो है, अगर तू अता नहीं करेगा तो कौन अता करेगा। है? एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर परवरदिगारा तू अता नहीं करेगा तो कौन अता करेगा, लिहाजा बंदे को अपने एतबार से मैंने सजदा किया, रुकू किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जब रुकू में चला गया तो कुदरत ने कहलवाया, कहो सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दी। और उसके बाद जब मैं रुकू में गया, रुकू में जाने के बाद मैं सजदे में गया, और सजदे में जाने के बाद कुदरत ने कहा, कहो सुभान रब्बिल आला व बिहम्दी। और जब मैंने सजदे से सर उठाया तो इस मकाम पर अमीरुल मोमिनीन से किसी ने मालूम किया, मौला ये नमाज में हर चीज़ एक है, मसलन दो सजदे क्यों करार दिए हैं जबकि रुकू एक करार दिया है। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं, तुमने गौर नहीं किया इन दो सजदों में मालिक का इशारा ये है कि जब तुम सजदे में सर रखते हो तो इशारा ये है तुम्हें इसी में चले जाना है, और जब तुम सर उठाते हो तो इशारा ये है कि तुम्हें इसी से पैदा किया है, और फिर जब तुम सजदे में सर रखते हो तुम्हें दोबारा इसी में पलटा देगा, और जब तुम दोबारा सजदे से सर उठाते हो तो इशारा है कि तुम्हें रोजे महशर इसी मिट्टी से निकाला जाएगा। इंसान इन दो सजदों के दरमियान अगर फर्क समझ लेता, मिट्टी से पैदा हुआ हूं मिट्टी में ही चला जाऊंगा, मिट्टी से ही उठा दिया जाऊंगा, मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में ही चला जाऊंगा, ये सजदे बता रहे हैं, इसी से उठाया गया हूं, इसी से बनाया गया हूं, और इसी से उठाया जाऊंगा, और अब महशर हिसाब में खड़ा कर दिया जाऊंगा, जिंदगी के लम्हे लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। ये हिसाब अकली है कि अकली नहीं है? हाँ अकली तो लगता है। मैंने पूछा, मेरे बेटे ने 10 रुपया मांगा, जब मेरे बेटे ने 10 रुपया मांगा मैंने दे तो दिया सुबह में उसे 10 रुपया, लेकिन शाम को आके पूछने लगा, मेरे बच्चे कहाँ खर्च किए हैं 10 रुपया? बेटे ने कहा या अहलिया ने कहा, 10 रुपये की कोई औकात नहीं है, खर्च कर दिए होंगे, बच्चे ने क्या हिसाब ले रहे हैं, मामला खर्च का नहीं है, मामला सही और गलत का है। अगर गलत खर्च किए हैं तो बच्चे को रोका जाएगा, और अगर सही खर्च किए हैं तो बच्चे को इनाम और इकराम दिया जाएगा। जब एक बेकीमत चीज़ का मुझे हिसाब लेने का हक है, 10 रुपये की कीमत ही क्या है, इसकी वैल्यू ही क्या है, जब मैं 10 रुपये का हिसाब लेने का मुझे हक है, और सारी दुनिया कहती है कि इससे हिसाब लो कहीं गलत ना खर्च किया हो, लिहाजा क्या कुदरत को हिसाब नहीं है कि इतनी कीमती जिंदगी दे दी, इतनी कीमती जिंदगी दे दी, जब बेकीमत का हिसाब लेने का हक है तो साहिब कीमत जिंदगी का हिसाब लेने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस यही कुदरत हिसाब लेगी। बताओ तुमने इस जिंदगी को कहां खर्च किया है, अय्यारियों मक्कारी में खर्च किया है या नेक कामों में खर्च किया है? बताओ तो सही तुमने खर्च कहां किया है। अगर गलत कामों में खर्च किया है तो जब बाप बेटे को सजा देता है तो कुदरत ने जहन्नम का इंतजाम किया है, और अगर सही जगह पर खर्च किया है तो कुदरत ने जन्नत का इंतजाम किया है, लिहाजा जन्नत में तुम्हें दाखिल कर दिया जाएगा, और दाखिल ही नहीं कर दिया जाएगा बल्कि उससे पहले तुम्हें दरवाजा है जन्नत पे रोका जाएगा, और रोक के जब हम दरवाजा है जन्नत के रुक जाएंगे तो हमें सबसे पहले जामे कौसर से सैराब किया जाएगा। मालूम किया गया ये जामे कौसर से हमें क्यों सैराब किया जाएगा, का इसलिए जब तुम्हारे दिलो दिमाग पर उस खौफ की गर्द बैठ गई कि पता नहीं नामाए आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा, उस गर्द गुबार को जाम कौसर से पहले यहीं बाहर धुल दिया जाएगा। जिस तरीके से डॉक्टर स्प्रिट के जरिए से जख्म की गिलाजत को निकालता है तो कुदरत भी हौज कौसर से जाम कौसर के जरिए बदन की गिलाजत को निकाल देगी। जब ताहिर और पाकीजा हो जाएंगे तो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
है। तो इस एतबार से जब मुझे बेकीमत जिंदगी के पूछने का हक है तो कुदरत को यह हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब मुझे वहां का हिसाब कर लेना चाहिए कि मेरा हिसाब कैसा हो, मैं यहां से कैसा गया हूं, मैंने क्या क्या अंजाम दिया है। वाकई मुझे इसी दुनिया में यह हिसाब कर लेना चाहिए। अगर मैंने इस दुनिया में यह हिसाब कर लिया तो आखिरत मेरे लिए आसान हो जाएगी। और यह दुनिया तो चंद रोजा है, जो हकीकत में वाकई जहां मुझे पूरी जिंदगी दे दी जाएगी, मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैंने अपने आप को कैसा तैयार किया है? और कुरान ने इन लफ्जों में उस तैयारी के लिए मुझे हुक्म दिया है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी है वो उम्मे ही वो बनी है वो साहिबते ही। उस दिन से डरो जिस दिन बाप अपने बेटे से फरार करेगा, माँ अपने बेटे या माँ अपने औलाद से जुदा हो जाएगी, दोस्त अपने दोस्त को नहीं पहचानेगा, बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन से ज़रा डरो। और फिर उसके बाद कुरान कहता है, कुरान क्या कहता है उसके सिलसिले में कुरान इस तरफ इशारा करता है कि उस दिन बंदे की तमन्ना ये होगी कि उसे पलटा दिया जाए और वो बारगाह खुदावंदी में पुरजोर गुजारिश करेगा, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए मौलाओ मुख्तार, मुझे दुनिया में दोबारा पलटा दे। सवाल कुदरत होगा दोबारा जाके क्या करेगा, का जिन आमाल सालेहा को छोड़ के आया हूँ उन्हें दोबारा जाके अंजाम दिया जाएगा। अब कुरान इसका जवाब फिर देता है, क्या इन्हें वाकई पलटा दिया जाएगा? मुफस्सिरीन कहते हैं इनकी इस दुआ को रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए कि जब इसे अभी यकीन है कि पलट के आना नहीं है, तो जब इतना बागी और जसूर है, अगर पलट के आने का यकीन होता तो फिर कितनी बगावत करता, कितनी बगावत इसे करनी चाहिए थी। तो इंसान बगावत के एतबार से कि वो बगावत कर रहा है, मुझे अपनी आखिरत का हिसाब कर लेना चाहिए। इसीलिए इमाम सज्जाद फरमाते हैं, है मेरे मालिक उस दिन से पहले जिस दिन मेरे हाथ पसे गर्दन से बांध दिए जाएंगे, मुझे तारकूल का लिबास पहना दिया जाएगा, मेरा नामा आमाल मेरे हाथ में दे दिया जाएगा, मालिक उससे पहले मुझे बख्श दे। तो वाकई हमें आखिरत का ख्याल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसलिए हमें लफ्ज़ भी बोलो तो समझ के बोलो, सोच के बोलो। और इसीलिए जब हम लफ्ज़ सोच समझ के बोलेंगे, हम तो अल्लाह की दी हुई एक ज़बान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, कानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये जो मेरी ज़बान बोल रही है, जब मैं इसके बारे में गौर करता हूँ और कुरान मजीद में देखता हूँ, इस बयान को अल्लाह ने सबसे पहली नेमत करार दिया है, अर्रहमान खलक अल इंसान अल्लामहुल बयान, यानी पहले वो रहमान है इंसान को पैदा किया और इंसान को परवरदिगार आलम ने बयान यानी बोलना सिखाया। नेमतों का बहुत सारी रहमान की जितनी भी इस कायनात में चीज़ें हैं सब रहमान की नेमतें, कोई भी ऐसा नहीं है। आग भी नेमत है, जहन्नम भी नेमत है, जहन्नम नेमत है, मुसीबत भी राहत है, राहतों में भी मुसीबतें हैं। तो हर चीज मालिक की नेमत है, चाहे जो भी हो। आग भी रहमत है, जहन्नम भी नेमत है। आप कहेंगे जहन्नम नेमत क्यों है? जहन्नम नेमत यह है कि उसके खौफ से अगर मुझे अमल गुनाह करने से जहन्नम के खौफ ने रोक दिया तो नेमत साबित होगी कि नेमत साबित नहीं होगी? भाई खौफ भी तो मुझे किसी चीज से रोकता है। आपने मास्क क्यों लगा के जाते हैं बाहर? का 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है मौलाना साहब? तो 1000 रुपए का खौफ आपको मास्क का पाबंद बना देता है, तो आखिरत में जहन्नम का खौफ क्या मुझे पाबंद इबादत नहीं बनाना चाहिए?
तो इस एतबार से चूंकि वो मुझे गुनाहों से बचाती है जहन्नम का खौफ, इसलिए जहन्नम की आग भी नेमत करार पाएगी। बीमारी भी नेमत है। इमाम ने इमाम से पूछा बीमारी क्यों नेमत है, कहा बीमारी इसलिए नेमत है कि उसमें इंसान अपने परवरदिगार से ज्यादा नजदीक हो जाता है। और वाकई जितना खुशी में इंसान नहीं अपने परवरदिगार से करीब होता, जब बुखार हो जाता है तो कैसे पुकारने लगता है, एक टाइम की रोटी ना मिले तो कैसे चीख के पुकार, ऐ रहमान, ऐ रहीम, ऐ रज़ाक, ऐ खल्लाक, अगर मिलते वक्त पुकार लेता तो ना मिलने की नौबत ही ना आती है? अगर मिलते वक्त पुकार लेता, लेकिन जब मिलता है तो मगरूर हो जाता है। इंसान की औकात ही कितनी है, अगर छीन लिया जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, दे दिया जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, अगर छीन लिया जाए तो बिलबिलाने लगता है, ये क्या हो गया, क्या मेरा ही घर अज़ाब के लिए रह गया था। ये वो बंदा है जो नेमत परवरदिगार खाने के बाद एतराज कर रहा है और फिर कह रहा है कि खुदा, मैं खुदा से राजी हूं, है? क्या मेरा ही घर रह गया था, क्या मैं ही मुसीबत में आने के लिए तैयार था। तो इस एतबार से जरा देखें कि बंदा है खुदा, बीमारियां भी उसकी नेमत हैं, इसलिए कि इंसान जब जरा सा मुसीबत में आता है तो पुकारने लगता है, या अल्लाह, या रहमान, एक दिन का बुखार 1000 मर्तबा तो गारंटी के बंदा सुबह से शाम तक कहेगा या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। एक शैतान ने एक इंसान अपने परवरदिगार को खूब याद करता था, जब याद करता था तो शैतान ने उसके कान में वसवसा फूका कि जिसे तू रोज पुकारता है वो तेरी आवाज का जवाब भी देता है कि तू वैसे ही पुकारता है। अब बेचारा के जहन में आ गई बात कि यार वाकई मैं तो रोज कहता हूं या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता कि हाँ मेरे बंदे, लब्बैक या अबदी, कोई जवाब नहीं आता। इसलिए ये खामोश हो गया, और जब ये खामोश हो गया, अब एक रोज इसने किसी आवाज को सुना सोते हुए, तू अपने रब को रोज आवाज देता था मगर अब तूने पुकारना छोड़ दिया है। जहन में तो इसके जवाब बना बनाया था कि हाँ इसीलिए, चूंकि मैं तो रोज उसे पुकारता था मगर वो कभी भी मेरा जवाब नहीं देता था, वो सदा कहती है बंदे ये तो बता, जब तू उसे पुकारता था तेरे दिल को सुकून मिलता था या नहीं मिलता था। कहाँ सुकून तो बहुत मिलता था, का नादान वही तो जवाब था मगर तू जानता नहीं था। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। नादान वही तो जवाब था मगर तू समझता नहीं है, जानता नहीं है। और वाकई जितनी मर्तबा भी हम या अल्लाह पुकारते हैं दिल में यकीन और सुकून पैदा होता है, और अगर बहुत ज्यादा सुकून हासिल करने की जरूरत है और नींद ना आ रही हो तो टैबलेट ना कहिए, बल्कि पहले तो वो बुखारात अपने जहन से निकालिए जिन्होंने तुम्हें परेशान कर रखा है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बेटों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा, औलाद का क्या होगा, कहां से खाएंगे, इन सारे बुखार को उतारिए, जहन से निकालिए। कर्जा कहां से अदा होगा, बीमारी में कहां से पैसा लेके आएंगे, घर कैसे बनेगा, बल्कि कहिए है बेघरों को घर देने वाले है मालिक, ये कहने में क्या परेशानी है, है बेलिबासों को लिबास अदा करने वाले, ऐ यूशा बिन नून के लिए सूरज पलटा देने वाले। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्यों उल्टी दिमाग, खोपड़ी उल्टी ही क्यों चलती है, क्या होगा, कहिए ऐ शिकमे मादर में गिजा देने वाले, ऐ आदम को खाक से पैदा करने वाले, ऐ ईसा को बगैर मां के पैदा करने वाले, ये जुमले नहीं आते जहन में।
ये बातें नहीं आती जहन में। और जब दिमाग उल्टा चलेगा तो दिमाग परेशान होगा, परेशान होगा तो बदन परेशान होगा, बदन परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो सुबह को काम नहीं होगा, दिन भी बेकार कर लिया रात भी बेकार कर ली है, दिन भी बेकार कर लिया रात भी बेकार कर ली। अरे इससे बेहतर क्या हाजरा की तारीख को भूल गए? जब जनाबे हाजरा ने जनाबे इब्राहिम जब छोड़ के चल दिए तो एक मर्तबा जनाबे हाजरा ने अपने शौहर की तरफ ये नहीं कहा हमें किसके हवाले करके जा रहे हो, यहाँ क्या है, ना घर है ना मकान है ना खानदान है ना रिज्क है ना पानी है, यहाँ क्या है, ये नहीं कहा, बल्कि कहा ए इब्राहिम अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो कि खुदा की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा खुदा की मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ, ये कह के बैठ गई। जब इब्राहिम का कोई रोल ही नहीं है तो इनसे क्या मांगना, उसी से तलब करेंगे जिसने इब्राहिम को हुक्म दिया है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जरा इन तारीख को क्यों भूल रहे हैं? जनाब इब्राहिम की जिंदगी में भी एक बहुत अजीब मोड़ आया था। नमरूद ने चाहा कि कुदरत खुदा पे बंद बांध दे और कोई पैदा ही ना होने पाए, औरतों को हुक्म दे दिया मर्दों से अलग रहे, मर्दों के लिए लाजिम कर दिया अपने घरों में ना जाए। एक रोज इतनी तेजी के साथ हवा चली कि किसी की कोई खबर ना रही कौन कहां चला गया, और उसी असना में खुदावंदे आलम ने जनाब तारुख के सुल्ब से जनाब इब्राहिम को रहम मादर में करार दे दिया। तवज्जो करें, जनाब तारीख के सुल्ब से तारुख, जनाब तारुख के सुल्ब से रहम मादर में करार दे दिया, और कोई हालात ऐसे ना होने पाए कि जिससे जाहिर हो जाए कि वो नबूवत का मनसबदार आ रहा है जो नमरूद की ताकत को पलट के रख देगा। जब हालात ऐसे ना हुए तो ये एक साल में ईद मनाने के लिए सहराओं में जाते थे, जंगलों में जाते थे, और वहीं ये हालात हुए कि जनाब इब्राहिम की वालिदा को ये एहसास पैदा हुआ कि वो अमानत जो मेरे कोख में है, मेरे शिकम में है, वो अमानत अब ज़मीन पर आने वाली है। और ये कह के परवरदिगार आलम की मशीयत के मुताबिक जनाब इब्राहिम की वालिदा उसमें गार में चली गई, पहाड़ के बड़े से गार में उतर गई जहां अंधेरा ही अंधेरा है, बिच्छू सांप वगैरह रहते हैं। अंधेरे में जनाब इब्राहिम की वालिदा पहुंच गई, अब डर भी लग रहा है अगर ढूंढ पड़ गई कि मैं कहां चली गई तो लोग समझ जाएंगे इब्राहिम की विलादत हुई, मां छोड़ के अपने घर आ गई, इब्राहिम को छोड़ के आ गई। जब इब्राहिम तन्हा रह गए, अभी तो भूखे थे, बच्चे हैं, मां तो है नहीं, तो खुदा ने अंगूठे में दूध पैदा करके ऐलान कर दिया रिज्क के जिम्मेदार हम हैं, तुम तो हमारी तरफ कदम तो बढ़ाओ। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब इब्राहिम के अंगूठे में दूध पैदा हो गया, जनाब इब्राहिम अपना अंगूठा चूसते थे। जब अपने अंगूठे में इब्राहिम के लिए दूध पैदा हो सकता है तो हसनैन के लिए पैगंबर की उंगलियों में गिजा क्यों नहीं पैदा हो सकती? तो अब उसके बाद तो ये कुदरत इलाही के नमूने नहीं है, तो हम यही क्यों सोचते हैं कि कल क्या होगा, हमें यही करे परेशानी क्यों है, क्या करेंगे कैसे होगा? क्या एक मरतबा ये नहीं कह सकते मेरा पालनहार मेरी हालत को खूब जानता है? इमाम अली पैगंबर इस्लाम के पास आए, और आके कहा है अल्लाह के नबी कोई वसीयत कोई नसीहत फरमाइए। पैगंबर ने इतना कहा या अली कहो अल्लाह मेरा रब है और बस इस पे साबित कदम हो जाओ, जब तुझे माबूद मान लिया है तो फिर क्या खतरा है, जब तुझे राजिक मान लिया है तो परेशानी क्या है, जब तू जिंदगी देने वाला है तो मौत को डर किसका है? और इसी जुमले के तहत अली ने फरमा दिया इब्ने अभी तालिब मौत से कहां डरता है, चाहे वो मौत पे जा पड़े या मौत उस पे आगे पड़ जाए। तो इस एतबार से अल्लाह की दी हुई नेमतों पर जरा गौर करें।
और जरा सा भरोसा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए अल्लाह की जात पर, जरा सा, मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। मसलन जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए वो लम्हात तस्वूर करें जब जनाब जुलेखा मुकम्मल तौर से गुनाह की दावत दे रही थी और हालात जनाब यूसुफ के मुतालिक कोई दिक्कत नहीं थी और बिल्कुल हुस्न अपने आप में दावत गुनाह दे रहा था और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रद्द कर दिया और एक गुनाह के रद्द करने पर खुदा ने इतना अजीम मकाम दिया कि उसी यूसुफ को बादशाह बनाया। लेकिन अगर जनाब यूसुफ गुनाह के सामने सर झुका भी देते, बहुत तवज्जे, अगर यूसुफ गुनाह के सामने सर झुका भी देते तो मिलता क्या? एक अधेड़ उम्र की जनाब जुलेखा, लेकिन जनाब यूसुफ ने गुनाह का मुकाबला किया, खुदा ने बादशाहत भी दे दी और जुलेखा को जवानी भी इनायत कर दी। बचा के तो देखें, एक सलवात पढ़ दे इन चीजों पर लम्हे फिक्रिया है, ये गौर का मकाम है। मकाम गौर है कि हम एक लम्हे के लिए गुनाह छोड़ के तो देखें। अगर मेरे पास कोई पैसा है, कोई दौलत है अल्लाह और रसूल की, तो दे के तो देखें कि खुदा देता है कि नहीं देता है? खुदा की बारगाह में उसे हाजिर तो करके देखें। आखिर परेशानी क्या है? ये सारे हालात और वाकयात क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? जनाबे हाजरा बैठ गई हुक्म परवरदिगार के तहत एक छोटे से बच्चे को लेके। बच्चा कितना छोटा था, आगोश में था, दूध पी रहा था। भरोसा किस पर था? अल्लाह की जात पर। अच्छा, अगर इब्राहिम पे भरोसा करती तो इब्राहिम क्या देते? तवज्जो, खुदा की कसम, अगर जनाबे इब्राहिम पर भरोसा करती, उनसे मांगती तो इब्राहिम क्या दे देते? एक मशकीजा पानी दे देते, एक हौज पानी दे देते, एक टैंक पानी दे देते। जो भी देते खत्म होने वाला था, लेकिन जब खुदा पे भरोसा करके बैठ गई तो वो दिया है जिसे खत्म होने वाला नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जितना भी देते जनाब इब्राहिम, खत्म होने वाला था। एक टैंक पानी भी दे देते, खत्म हो जाता। लेकिन देने वाले ने जब दिया तो ऐसा लाजवाब दे दिया कि उम्मतें सैराब हो रही हैं और खत्म होने का नाम। अरे जब एक अमल की जजा इतनी हो सकती है तो जिस फातिमा के लाल ने सारे नबियों को बचा लिया, उसे होना ही ऐसा चाहिए कि जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाए, जिसे चाहे दाखिल कर दे, जिसे चाहे खारिज कर दे, जिसे चाहे दाखिल कर दे। तो इन हालात और वाकयात से क्या हमें अंदाजा नहीं होना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें कैसी कैसी नेमतें दी हैं, कैसा भरोसा। तो जब बहुत ज्यादा परेशानी हो, बिस्तर पर करवटे ले रहे हो, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा, इस बुखार, जहन के बुखार को खत्म करें। सोचे कि कहां कहां खुदा ने इज्जत रखी है। और बहुत जल्दी अगर नहीं हो रहा है, जहन से बातें खत्म नहीं हो रही हैं, तो अपने आप को सलवात में मशगूल कर दें। जितनी हो सके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ें। अपने आप को सलवात में मशगूल कर दें। और जब अपने आप को सलवात में मशगूल कर देंगे, इधर उधर के ख्याल ना आने पाए, आए तो उनको दूर करो, हटाओ, और इतना अपने आप को इस मामले में इतना मजबूत करो कि ख्यालात को जहन में जगह ना होने पाए कि क्या होगा, परेशानी जहन में जगह ना पाए कि क्या होगा, कोई परेशानी को वजूद ना दो। और उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने कि बारगाह में एक शख्स, एक औरत आई, आके कहने लगी, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा नाबीना है।
और जब वो नाबीना है, आज तक तो बच्चा था, मुझे एहसास कम होता था, अब थोड़ा जवान हो गया है तो जब उसके पैर डगमगाते हैं तो मेरा एहसास बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी, मैं अपने जवान बच्चे के पैरों को डगमगाता नहीं देख सकती। आपसे गुजारिश ये है कि कुछ ऐसा बता दीजिए कि मेरे बच्चे की बिनाई मिल जाए। उस वक्त पैगंबर इस्लाम नमाज आसर पढ़ने के बाद लोगों के सामने बैठे हुए थे, असहाब चारों तरफ से पैगंबर को घेरे हुए थे। ये औरत आई और इसने कहा कि मेरा बच्चा बीना हो जाए, उसकी आंखें देखने लगे। पैगंबर ने इसकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा बीना हो जाए तो हम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जितना हो सके उतनी सलवात पढ़ो। इस औरत ने ये सुना और ये सुन के ये अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जब ये अपने घर की तरफ रवाना हुई, हर कदम पे सलवात पढ़ती जाती थी। घर पहुंचती तो देखता क्या है, इसका बच्चा माँ कहते हुए दरवाजे से बाहर आ रहा है और बच्चे की आंखें बीना हो गई। ये अपने धर्म घर में अंदर नहीं गई बल्कि वहीं से वापस पलटी और पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आई और आके अल्लाह के नबी से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं जैसे यहाँ से आपने मुझे कहा था वैसे ही मैं करती चली गई और घर पहुँची तो मैंने देखा मेरा बच्चा देख सकता है, मेरे बच्चे की रोशनी वापस आ गई है। उस वक्त सारे मजमे ने तकबीर की सदाएँ बुलंद की और पूरे मजमे ने कहा अल्लाहु अकबर। और फिर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हम पर सलवात पढ़ता है तो खुदा दुनिया में भी उसे बीमारी से निजात देगा और आखिरत में भी उसे जहन्नम से महफूज कर देगा। एक सलवात पढ़ने हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जहन्नम में भी उसे महफूज कर देगा। ये सलवात की अजमत है। लियादा, जब परेशानी तुम्हें सताए, बिस्तर पे सर रखें, आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ें और सारी परेशानियों को दूर कर दें। 3 सेकंड 3 मिनट में नींद आ जाएगी भाई साहब, 3 मिनट में। लियादा इस काम को ज़रूर अंजाम दे, जितना हो सके उतना मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ें। इसलिए कि इन पे सलवात पढ़ना दुनिया और आखरत की निजात का सबब है और इन पे सलवात पढ़ने से मलाइका भी सलवात पढ़ते हैं, अल्लाह भी इन पर सलवात पढ़ता है। इसलिए ये घराना अहले बैत का बहुत अजीम है। मगर जिस दरवाज़े को अल्लाह ने सलवात का दर करार दिया था, उसी दरवाज़े पर आग और लकड़ियां जमा कर दी गई और दरवाज़ा ए सैयदा जला दिया गया। अफसोस ये नहीं है कि दर सैयदा जला दिया गया, अफसोस ये है कि सैयदा का घर उन हाथों ने जलाया जो हाथ पैगंबर इस्लाम के सामने सैयदा के एहतराम के लिए उठ रहे थे। और वही पैगंबर के ज़माने में जिन लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी का कितना एहतराम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये रिवायत भी मौजूद है कि जब अल्लाह के नबी रुखसत हो गए, वफात पा गए, तो जनाब फातिमा के सर पर एक पट्टी बांधी देखी गई और जब तक बीबी जिंदा रही वो पट्टी आपके सर से नहीं खुलती है। 18 साल की उम्र ही कितनी होती है, हमारे बच्चे भी इस एतबार से जवान नहीं होते। अभी तो हम कह देते हैं अभी तो इसकी उम्र 18 ही साल की है, बिल्कुल बच्चा है, मगर नबी की बेटी इसी उम्र में इतनी ज़ईफ़ हो गई थी, इतनी ज़ईफ़ हो गई थी कि 18 साल के सिन में नबी की बेटी असे के सहारे चल रही है और असा ले के सैयदा आगे बढ़ती हैं। और वाकयान मसाइब इंसान को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि मसाइब तोड़ के रख देते हैं। इसलिए मसाइब कैसे तोड़ते हैं, दूसरी भी रिवायत मौजूद है कि जब जनाब
میں زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے واپس آئی, بھائی کا غم برداشت کر کے, تو ایک مرتبہ جناب زینب بنی ہاشم کے محلے میں تو موجود تھی مگر اپنے بھائی حسین کے گھر تھی, ابھی عبداللہ اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی تھی. ایک روز جناب زینب کے دل میں کئی مہینوں کے بعد یہ خیال آیا, چلیں آج عبداللہ کے گھر اپنے گھر چلتے ہیں, اپنے شوہر کے یہاں چلتے ہیں. جناب عبداللہ کے گھر آئی, آج زینب کو جناب اونو محمد کا بچپنا یاد آیا, کہیں اونو محمد کو دیکھتی ہے, کہیں ان کے کھلونوں کے, کہیں ان کے کھیلنے کی جگہوں کو دیکھتی ہیں, تو کہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھتی ہیں. مرتبہ جناب زینب نے آج اونو محمد پر گریا کیا اور بیان کرتی ہیں, گریا کرتی ہیں, اور جب گریا کرتی ہیں اسی اثنا میں جناب عبداللہ آ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں, زحیفہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے جب سے حسین کے بچے قتل ہوئے ہیں ہم اپنے بچوں پہ نہیں روتے, حسین کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں, حسین کے بچوں کا غم مناتے ہیں, اگر تمہیں اپنے بچوں کو رونا ہے تو اپنے گھر جا کے گریا کرو. جناب زینب سمجھ گئی, عبداللہ نے پہچانا نہیں ہے. مرتبہ عبداللہ کی رخ کر طرف رخ کر کے کہا, اے عبداللہ اور جس کا گھر یہی ہو وہ کہاں چلا جائے؟ اور ایک مرتبہ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا, اے بنت نبی, اے بنت علی, میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے. مرتبہ یہ ذوف ہے, یہ مصائب کی شدت ہے, مگر کربلا میں مصائب, مگر اللہ اکبر, جناب فاطمہ اسے کا سہارا لے کے چلتی ہیں اور اس طریقے سے آپ کی خم, آپ کی کمر مڑ گئی ہے, جیسے پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کی کمر مڑ گئی. اور اسی اثنا میں جناب فاطمہ دہرا دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہیں, بستر سے ایک روز اٹھتی ہیں اور جناب اسما سے کہتی ہیں, اسما دیکھو میں نے کپڑے بدل لیے ہیں, اگر میری تسبیح و تحلیل کی آواز آئے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہیں, اور اگر تسبیح و تحلیل کی آواز نہ آئے تو سمجھنا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. مرتبہ فاطمہ کی تسبیح و تحلیل کی آواز رکی, علی اپنی فاطمہ کو غسل و کفن دینے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں. جب ملکوتی جنازہ تیار ہو گیا اور علی نے کفن پہنا لیا, علی ایک مرتبہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں, حسنین چھوٹے چھوٹے بچے, ماں کی یتیمی, ماں کی تنہائی اور ماں کی جدائی کو دیکھ کے حسنین بلبلا رہے ہیں, زینب رو رہی ہے, کہیں حسن رو رہے ہیں, کہیں حسین رو رہے ہیں. اور ایک مرتبہ جب بچے اپنی ماں کے جنازے کو دیکھتے ہیں, ارے علی سے رہا نہیں جاتا, آؤ حسن و حسین اپنی ماں سے مل لو. بس حسن و حسین کہتے ہیں, اے والدہ ہم یتیم ہو گئے ہیں اور ہمارے نانا سے اگر دیدار ہو جائے تو ہمارا سلام عرض کر دیجئے گا, ہم یقیناً یتیم ہو گئے ہیں. شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی اور ظالموں نے وہ ظلم کیا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلبین ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین اور علم دنیا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جہاں جہاں پریشان حال لوگ رہتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تیری ذات پر ہم یقین اور بھروسہ کر لیں ایسی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے کردار اور اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرما, اور جب ہمارا اخلاق و کردار سمر جائے تو ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے, ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو اسال فرما دیجئے.